उसके बाद फिर हमने चला दिया। तो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पबजी मैच गेम को चलाना सिखाने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिवाली आने वाली है और दिवाली के मौके पे मार्केट में एक नया गन आया हुआ है जिसका नाम है पबजी मैच गन। जी हाँ दोस्तों, पबजी मैच गन ये दोस्तों माचिस की तीली से चलती है। इसरार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिख रहे लाल बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड लास्ट में लाइक करना मत भूलें, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है ना, मैंने मार्केट में इसको 100 रुपये का मैंने परचेज किया है इसको, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। मैंने 100 रुपये का इसको खरीदा है मार्केट में जाके। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैंने इसको ओपन कर लिया है दोस्तों, यहाँ से मैंने खोल लिया और ये कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का। बहुत ही प्यारा सा गन है, बहुत ही प्यारा सा गन है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके की बनावटी है इसके। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, कंपनी ने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके इसको बनाया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो यूज़ होता है ना, वो माचिस की तीली होती है। 1 रुपये की माचिस की तीली में आप पूरा दिवाली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कैसे इसको यूज होता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये कुछ इस तरीके का होता है, एक बेहतरीन प्लास्टिक में होता है कुछ इस तरीके का। और इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या देना है, यहाँ पे दे रखा हुआ है एक स्विच टाइप का, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे दबाना होगा, ये ऐसे इस तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली से आपको बंदूक अपने हाथ में लेना है, गन को आपके हाथ में लेना है इस तरीके से, या फिर यहाँ पकड़ना है, इसको दबाना है, उसके बाद इसको नीचे लेके जाना है जब तक कट कट की आवाज़ ना आ जाए। इसको नीचे लेके जाना है, ये आ गया ना कट की आवाज़। अब इसको इस तरीके से इन कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे चलाना है, सिंपल। तो देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसको दबाना है, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे की साइड लेके जाना जब तक कि आवाज़ ना आए, ठीक है। आवाज़ आ गई, उसके बाद फिर इसको ऊपर लेना है, उसके बाद फिर इसको चलाना है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब माचिस की तीली से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये माचिस की तीली है, और ये माचिस की तीली का हमने इस तरीके से एक काड़ी जो होता है, एक तीली हमने ले लिया है। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको दबाना होगा दोस्तों, इसको ना इसको दबाना होगा, स्प्रिंग होता है वो उठ जाएगा, फिर ये नीचे की साइड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसको इसके अंदर लगाना होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, ये बाहर के साइड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अंदर हमारे को डाल देना रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, पूरा अंदर डाल देना है जैसा आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का। अंदर डालने के बाद फिर आपको इन करना है इस तरीके से, उसके बाद फिर आपको ऐसे चलाना है, ठीक है। फिर आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ पे दबाना है, ये खुल जाएगा, उसके बाद फिर इन करना है, फिर चला देना है, ठीक है। चला तो फिर से आपको चला के मैं दिखाता हूँ, इसको इन करना है, उसके बाद एक माचिस की तीली लगानी है, फिर से बताया ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। और दोस्तों यार वीडियो आप लोग पूरा ना एंड तक देखा करो, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। और लाइक तो बनता ही है, लाइक करना, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर देना, ठीक है। इस तरीके से अंदर कर लिया, उसके बाद बंद कर लिया, उसके बाद फिर हमने इसको चला दिया। कितना बेहतरीन सा आवाज़ है, बहुत ही प्यारा सा आवाज़ है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसको दबाना है, इसको इस तरीके से यहाँ तक नीचे लेके जाना जब तक कट ना भूल जाए, पूरा नहीं टूट जाएगा, ठीक है, जब तक कट ना भूल जाए। उसके बाद एक माचिस तीली हमारे को निकालना है, जैसे मैं निकाल लेता हूँ एक और तीली और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक तो टूट गया यार, कोई नहीं, अगर टूट भी जाए ना तब भी इसको हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, और आधा टूटा हुआ ही निकाल लगाएंगे इसमें, तो क्योंकि अभी इस कर लिए, ठीक है। फिर बंद कर लिया, फिर इस तरीके से हमने इसको बंद कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चला दिया। तो बहुत ही स्पीड इसकी हाई है दोस्तों, आवाज़ बहुत ही तगड़ा है, पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा और पटाखे जैसी आवाज़ भी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल नए वीडियो के लिए।